चकराता में मौसम खुलते ही सैलानी बर्फबारी का लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। भारी बर्फबारी होने के कारण चकराता पुलिस ने सैलानियों की गाड़ियों को कोरवांग के पास ही रोक दिया है, जिससे कि चकराता में बर्फबारी का लुफ्त उठाने आए पर्यटकों को यातायात की असुविधा न झेलनी पड़े। चकराता बाजार में सिर्फ रूटीन गाड़ियों को ही प्रवेश की इजाजत दी गई है, जिससे कि यातायात प्रभावित न हो। दूसरी ओर चकराता त्यूणी, त्यूणी कथ्यान, चकराता मसूरी मोटर मार्ग बंद होने से दर्जनों गाँवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कल शाम से ही 5 दर्जनों से अधिक गांव की लाइट गायब है। हालांकि बिजली विभाग लाइट ठीक करने में जुट गया है, मगर ये बताने में सक्षम नहीं है कि लाइट कब तक सही हो जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण तार जगह जगह से टूट गई है। बिजली कल शाम से लाइट बंद हुई है और इस लाइट के बिना बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, क्योंकि लोगों के पास यहाँ मोमबत्ती वगैरह भी नहीं है, कोई और साधन भी नहीं है। रात भर अंधेरे में थे, आज भी कोई उम्मीद नहीं है। विभाग को जल्दी से जल्दी लाइन सुचारू करनी चाहिए, जिससे लोगों की समस्या दूर हो जाए। और रोड की समस्या है, रोड भी बंद हो रही है। परसों से गाड़ियों की आवाजाही बंद है। यदि कोई गांव में बीमार हो जाए या किसी के पास राशन पानी ख़त्म हो जाता है तो बड़ी दिक्कत है। तो संबंधित विभाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी रोड खुलवा दें। ये एरिया जो बर्फ़ से ढका है, इस समय कम से कम 40,000 लोगों का मामला है, तो 40,000 लोगों को परेशानियां लाइट और बिजली के से रोड के बिना जो है बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। चकराता से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।